मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मोदी से आवाज दी आपने लब्बैक कहा। आप चाहे 2014 का मामला हो या 2015 के इलेक्शन हो या 2019 के इलेक्शन हो, आप मेहनत मजलिस का साथ दिया। हम यही दरखास्त लेकर आपके दरमियान आए हैं कि अपने इतिहास को कायम रखिए। आपके दरमियान बहुत सारे लोग आएंगे, अभी कई ऐसे लोग आएंगे जो आपके वोटों को खरीदने की कोशिश करेंगे, आपके वोटों को ड्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन जानिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपके वोट इलेक्शन से पहले एक रात 1000 रुपए में या 500 रुपए में खरीदने की कोशिश की जाएगी। खुदा के लिए अपने आप को मत बेचिए। अगर वो 1000 रुपए में अपने आप को आपने बेच दिया तो कल आपके मासूम बच्चे आपसे पूछेंगे कि आप तू बताओ, जब इस शहर के अंदर जो मुस्तम हो रहा था, जब मुनाफिक आवाज उठा रहे थे, जब मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बन रही थी, तब तुमने क्या किया? तो कम से कम अपने आप में जवाब देने के लिए जगह रखिए कि बेटा उस वक्त हमने हक का साथ दिया था, हमने मस्जिद के अंदर वोट किया था, हमने हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रखकर, ये क्या वजह है? क्या वजह है कि मेरा और आपका आयत जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना नवाजा है कि वो 7 दशकों तक बैठ के खा सकता है? भाई जरा स्टेज पे तक चीखे ना, यहाँ से अपने इशारों से बात करें, मसले को बात करने में बहुत परेशानी होती है। जरा सोचिए कि क्या वजह असदुद्दीन ओवैसी साहब गली गली घूम रहे हैं? क्या जरूरत आप पर यह कि वो हरसूल की गलियों में घूमे? क्या जरूरत है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो घूम रहे हैं? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनके अपने कारोबार नहीं है? वो चाहते तो अपनी जिंदगी में खुश रहते, लेकिन यकीन जानिए वो क्यों घूम रहे हैं? अपने आप से पूछिए, क्या हम घूमते हैं? क्या हम किसी को दावत देते हैं? क्या हम किसी को एक इतिहास की दावत देते हैं? नहीं, वो चाहत इसलिए दे रहा है मेरे दोस्तों, वो चाहता है कि जैसे दूसरी कौमों के बच्चे तरक्की कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी तरक्की करें। वो चाहता है कि जैसे दूसरी कौमों को मवाके मिल रहे हैं, तुमको भी मवाके मिले। आप क्या समझ रहे हैं कि 20 नवंबर को आप वोट डालेंगे तो आप नासिर साहब को वोट डालेंगे? बिल्कुल नहीं, आप नासिर साहब को वोट नहीं डालेंगे। आप उस आवाज को वोट डालेंगे जो आवाज आपके लिए लोकसभा में उठती है। आप उस आवाज को वोट डालेंगे जिस आवाज ने जिन हाथों ने ट्रिपल तलाक का बिल फाड़ कर मोदी के मुंह पर फेंक दिया था। आप उस आवाज को वोट देंगे जो आवाज आपके लिए हर न्यूज चैनल के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली आवाज के खिलाफ आवाज उठाता है। तो याद रखिए, आपका वोट जाया नहीं जाना चाहिए। मेरी आपसे दर्दमंदाना दरखास्त है, और ये भी बात याद रखिए कि जिन नारों से ये बात नहीं चलेगी, ये चर्चों में हजारों की तादाद में आ जाने से बात नहीं बनेगी। हम जमहूरियत के निजाम में जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ आपकी बात उसी वक्त सुनी जाती है जब आपके साथ विकास होती है। मेरी आपसे ये दरखास्त है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितने ही दलाल आपके दरमियान आ जाए, अपने वोट को तकसीम मत होने देना। इतिहास के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना, इसलिए कि आने वाली नस्लों को हमारे शहर के अंदर सर उठाकर जीना है। और ये सर उठा के जीने का फन मेरे कायद पैरिस असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे सिखाया है, वही सबक वो आपको दे रहा है। यही सबक और यही जुनून के तहत वो हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमता है। वो इसीलिए घूमता है कि तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि तुम अपने हक मानो, और अगर हक ना मिले तो आप जी के हासिल करने की आदत डालो। हम यही दरखास्त लेकर आपके दरमियान आए हैं कि नासिर सिद्दीकी साहब, ये एक ऐसा मेरा भाई है जो एक पाकिदार है, जिसे हमने पिछले 5 सालों में देखा कि 24 घंटों में से जब भी आवाज दे तब ये हाजिर हो जाया करता था। और लीडर वही होता है जो आपके बुरे वक्त पे आपके साथ खड़े हो जाए। और आखिरी बात कहूंगा, आपको लोग कहते हैं कि मस्जिद ने क्या किया, मस्जिद फूट रही है, मस्जिद को लोग छोड़ कर जा रहे हैं। उनसे कहेगा कि मस्जिद को चाहे कोई छोड़ कर चले जाए, मस्जिद एक मिशन का नाम है, मस्जिद एक तहरीक का नाम है, मस्जिद इन दीवानों का नाम है, इन दीवानों के इतिहास का नाम है। ना वो कभी टूटेगी, ना वो कभी झुकेगी, और ना ही कभी दुश्मनान इस्लाम को सर उठाने का मौका देगी। नासिर सिद्दीकी साहब को आपको जिताना इसलिए भी जरूरी है मेरे भाइयों कि इस वक्त औरंगाबाद के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे तनवारी ने एमआईएम के खौफ में आकर अपना
टिकट वापस कर दिया। क्यों? जब वो मुस्ताहक हो सकते हैं तो क्या आप मुस्ताहक नहीं हो सकते? क्योंकि आपका अल्लाह एक है, आपका रसूल एक है, आपका कुरान एक है, तो फिर आप क्यों बिखरे हुए हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी मुस्ताहक हो जाए, आप भी शीशा पे आई हुई दीवार की तरह हो जाए। आप भी ये समझते कि जब हम मुस्ताहक होते हैं तो हम अपनी लीडरशिप को खड़े करना जानते हैं। जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, तो ये मेरी अखलाकी, ये मेरी मिल्ली, ये मेरी सियासी और सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप उनको प्राथम प्रणाम करें। बस इन्हीं की दरबार के साथ आपके दरमियान दरबार लेकर आया था कि अपने वक्त को जाया मत करना। अब मेरी तकरीर के बाद मैं हैदराबाद से तकरीर लाए हमारे मंजूर अहमद खान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और हमारी रहनुमाई करें। पीछे तकरीबन